हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अर्बन क्लास। सो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2, और इससे पहले हम लोग ने खत्म किया था एक्सरसाइज 6.1। तो आज हम लोग करेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, आई मीन 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.29 if AB parallel to CD and CD parallel to EF and Y is to Z, मतलब Y और Z का जो रेशियो है वो किस में है, 3:7 में है। ओके, तो फाइंड X। तो क्या ढूंढना है हम लोग को, X ढूंढना है, ठीक है। तो फटाफट पहले क्या करते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, तो गिवन यहाँ पे लिख लेते हैं AB पैरेलल टू सीडी दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ए बी है पैरेलल टू सीडी दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, सीडी जो है और जो सीडी है वो पैरेलल टू ई एफ है। ओके, कूल। तो यहाँ तक ये गिवन है। और रेशियो क्या दिया हुआ है, वाई इज टू सेवन, जेड इक्वल्स टू 3:7, ठीक है। ये रेशियो यहाँ पे है। तो रेशियो वाले क्वेश्चंस जो है हम लोग प्रीवियस जो एक्सरसाइज था वहां पे 6.1 वहां पे भी प्रीवियस क्लास में उन्होंने कर चुके हैं। तो आई होप उसका जो कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा आपका। तो ये क्योंकि इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट करते हैं, अभी निकालना क्या है, तो फाइंड एक्स हम लोग को क्या, टू फाइंड एस नहीं, टू फाइंड एक्स, एक्स ढूंढना है, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहां तक लिख लेना है। तो अभी निकालते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी बी है, तो और ये सी डी पैरेलल टू ई है। देखो वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर हम लोग ने क्या सीखा था रेशियो में, इन दोनों का टोटल अगर निकाल सके तो वाई और जेड का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। हम लोग क्या करेंगे, इन रेशियो का जो टोटल जो भी नंबर होगा उसका रेशियो से उस अपना अपना इन लोगों का क्या वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स यहाँ पे एक एंगल ले लेता है, एज्यूम करता है वन, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल लेते हैं वन, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो देखो एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल वन, क्यू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यहां तक क्लियर हो गया। एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल वन, यहां तक हो गया। अब मैं एंगल वन प्लस एंगल वन प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू कितना बोल सकता हूं, एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल जेड, तो मैं एंगल वन प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 90 डिग्री बोल सकता हूं, सॉरी 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री बोल सकते हैं हम लोग, इतना 180 डिग्री बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और उसमें जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ये दोनों सेम एंगल सेम साइड में, दोनों को अगर तुम प्लस करोगे क्या होता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है। ये हम लोग ने पढ़ा था क्लास 7 में भी पढ़ा था, अगर याद नहीं है तो फिर मैंने समझा भी दिया है बहुत ही अलग अलग क्वेश्चंस में, ठीक है। तो फिर से रिकॉल करो, जो पैरेलल लाइन के बीच में जो ये जो ट्रांसवर्सल आता है ना, इसमें तो ये एंगल सेम साइड में बनेगा, अलग साइड में, जैसे कि सर अगर अलग साइड में हुआ तो, जैसे कि ये साइड और ये वाला एंगल इस साइड हुआ तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, राइट। तो ये सेम साइड में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हो, ऐसे लिख देते हैं ऑन द, या तो तुम लिखते हो सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, तो जैसे आपको मर्जी। अब देखो एंगल वन के जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल वाई, बोलो क्यों, बिकॉज हम लोग ने पहले प्रूफ करके रखा है ना एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल वन, तो मैं लिख सकता हूँ, तो 180 डिग्री हो गया। अब देखो टोटल मिल गया ना यहाँ पे, इन दोनों का मिला के कितना होता है, तो अभी इसको यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो किसका निकालेंगे, यहाँ पे वाई का निकाल लेते हैं, ठीक है, वाई का, जेड का निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्यों बोलो। यहाँ पे देखो वाई का अगर निकाल ले तो इन दोनों को प्लस करके ऑब्वियसली 180 डिग्री, बिकॉज यही प्रॉपर्टी यूज होगा, राइट। देखो अभी तो यहाँ पे नाउ यहाँ पे तो दिया हुआ है 3:7, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल y इक्वल्स टू टोटल 180 है, तो y का रेशियो कितना होगा, 3 है, 3, और टोटल दोनों का टोटल कितना है,
सेवन प्लस थ्री प्लस सेवन टेन, तो टोटल को नीचे लिखना। सेम अगर जेड का भी निकालना होता तो सेवन वाई टेन लिखते, बिकॉज दोनों का जो टोटल सम है दोनों रेशियो का वो नीचे लिखना टेन है, ठीक है। यहाँ पे तो अभी इसका 180 डिग्री निकालना है, ठीक है, थ्री बाई टेन ऑफ 180 निकालना है, तो तुम्हें वाई का मिल जाएगा, जीरो जीरो कट, तो कितना होगा यहाँ पे 3 is 24, 2 is 54 degree, ठीक है। तो एंगल y का वैल्यू कितना आया 54 डिग्री, एंगल y का वैल्यू कितना आया 54 डिग्री, आया कि नहीं समझ में, यस और नो, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, y का वैल्यू हम लोग निकाला, क्यों निकाला, बिकॉज y का वैल्यू अगर निकालेंगे तभी इन दोनों को प्लस करके, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो प्लस करेंगे और x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, इजी, बहुत इजी है, ठीक है। अब मैं बाकी का इस साइड करता हूँ, क्या करेंगे अभी देखो, एंगल y इक्वल्स टू 54 निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल y प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री, y सेम, यही प्रॉपर्टी, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये लिख देना, क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यहाँ पे नहीं लिखता हूं, ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, सेम वही चीज वही प्रॉपर्टी यूज किया यहाँ पे, देखो दैट इंप्लाइज अभी अभी क्या होगा, वाई का वैल्यू पता है 54 है ना, 54 डिग्री पुट कर देता है, प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इंप्लाइज एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, क्योंकि प्लस का 54 है उस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल एक्स इक्वल्स टू ये 6, इसको माइनस कर लिया, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, ये 10 माइनस 6 और यहाँ पे 7 बचा 126 डिग्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग I'm correct, ठीक है, एंगल x इक्वल्स टू 126 डिग्री यहाँ पे आया है, ठीक है, देखो x का वैल्यू मिल गया, ठीक है, आया समझ में, हाँ, किसी किसी जिंदगी में x का वैल्यू नहीं है मुझे पता है, ठीक है, तो x को और ढूंढना नहीं है, एक बार जो x हो गया उसको ढूंढने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैथ्स में तुम्हें x जरूर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, तुम बिना x के यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन असली जिंदगी में और पीछा मत करो उसका, समझ समझने वाले समझ गए, पता है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर टू करने वाले, साथ साथ में क्या लिखते जाना, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर टू पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी पैरेलल है सी डी और ई एफ है परपेंडिकुलर, जो साइन है ना ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, अपना ये EF perpendicular to CD and angle GED, angle GED equals to 126 degree है, तो find angle AGE, AGE यानी ये वाला angle ढूंढना है अपने को, और कौन सा angle GEF, GEF, EF ये वाला, GEF, GF, GF नहीं, GEF, JF, GF जो भी, देखो angle FGE, FGE ये वाला भी ढूंढना है, तो एंगल देखो यहाँ पे क्या है, गिवन लिखना, सबसे पहले क्या करना है, गिवन, गिवन में क्या है, ए बी जो है पैरेलल टू सी बी, ठीक है, ये दो जो दिया होता है ना, दो लाइन पैरेलल का लाइन, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, देखो ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, जब भी परपेंडिकुलर रहेगा बाइसेक्टर रहेगा, बाइसेक्ट वाला चीज रहेगा, परपेंडिकुलर मतलब दोनों एंगल 90 डिग्री दोनों इक्वल, बाइसेक्टर मतलब भी क्या दोनों इक्वल, लेकिन डिग्री 90 नहीं होगा लेकिन इक्वल ही दिखाता है वो, देखो ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे एंगल एफ ई C equals to angle F E D equals to 90 degree, दोनों 90 degree का होगा, क्यों, यहाँ पे ये perpendicular, perpendicular मतलब 90 degree बनाते हैं, और यहाँ पे दिया भी है, right? तो F E D ये 90 degree और F E C ये जो है ये भी क्या है 90 degree है, तो ये हम लोगों ने given में लिख लिया, देखो given में sentence में जो दिया रहेगा ना उसको तुम कैसे अच्छे से present represent करोगे, अच्छे से लिखोगे यहाँ पे, वो तुम्हारे ऊपर depend करता है कैसे उस question को पढ़ के, तो उसको अच्छे से ऐसे लिख लेना, तो अभी यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या गिवन है, एंगल GED, एंगल GED कितना है यहाँ पे 126 डिग्री, ठीक है, 1 GED
डी, ये पूरा कितना है, ये पूरा 126 डिग्री है, ठीक है, इतना गिवन है। निकालना क्या अपने को, ए जी ई, पहले ए जी ई, बहुत बढ़िया, देखो बहुत इजी। यहाँ पे क्या करना है ना, सोल्यूशन अच्छा कुछ लिखा ही नहीं, अच्छा टू फाइंड, ढूंढना है, ये भी तो लिखना है, ढूंढना है एंगल ए जी ई को ढूंढना है, ठीक है। अबे गुम होते क्यों हो तुम लोग, इतना ढूंढना पड़ता है तुम लोगों को, है ठीक है ना। हाँ चलो, एंगल एफ जी को ढूंढना तो पड़ेगा, ये गुम हो गया तो ठीक है, अभी ढूंढेंगे इन लोगों को, ठीक है, अच्छे से ढूंढेंगे। तो क्लू रे, क्लू क्या क्या क्लू छोड़ के गए इन लोग, देखो तो ये सब दिया हुआ है। तो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी क्यू, क्यू इक्वल हुआ, देखो ए जी ई जी ई डी का इक्वल है, यानी मैं अगर इसको फोड़ के ऐसे बनाऊ तो ये जो है ए, ये जी है और ये ई और ये क्या डी, देखो ये दो पैरेलल लाइन है तो इन दोनों का ये एंगल इक्वल होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है आगे समझ में, ठीक है। दूसरा तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इंप्लाई, तो यहाँ पे देखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अभी फटाफट लिखते भी जाओ क्योंकि मुझे शायद बिताना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड तो ये अपना व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड अभी लेने का इतना बजट है नहीं, सीधा सीधी खुला बात है, ठीक है, जब आएगा लेकिन तब इतना मजेदार तरीके से पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन आएगा तो जरूर डिजिटल बोर्ड तो लेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना बजट है नहीं, बजट नहीं है तो, लेकिन चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना, सब आगे तो सबको बढ़ना है, हम भी बढ़ेंगे आगे। तो देखो यहाँ पर एंगल ए जी ई इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, ए देखो एंगल ए जी ई इक्वल्स टू कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे 126 डिग्री, ठीक है, लिख दिया ऑल्टरनेट डिग्री, तो एंगल ए जी तो पहले ही मिल गया यहाँ पे, ठीक है, वाह वाह कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखो एंगल जी ई एफ, अभी क्या निकालना है, एंगल जी ई एफ, वेल जी ई एफ, देखो जी ई एफ, ठीक है, तो जी ई एफ, तो अब देखो ये जी ई डी का वैल्यू दिया हुआ है, वाह वाह तुम क्या भाई, तुम्हारा क्या हुआ है, जी एफ के बारे में सुन के तुम्हारा, तुम तो गिरने लगे यहाँ पे, देखो जी ई एफ, अब देखो यहाँ पे जी ई एफ, तो यहाँ पे जी ई डी दिया हुआ है ना, अब देखो जी ई डी तो जी ई एफ और एफ ई डी से बना हुआ है, ये एंगल मिलके ये पूरा जी ई डी बना हुआ है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो एंगल जी ई डी इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, ठीक है, क्यों हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज ये दो एंगल मिलके ये वो, ठीक है। अब सर ऐसे क्यों लिखा, क्यों, तो हम बहुत चालू इंसान है, देखो हम लोग बहुत ही मतलब ऊपर लेवल के है ना हम लोग, ठीक है, तो ऐसे करो मजाक करो, देखो तो क्यों निकाला, बिकॉज अभी एफ ई डी का वैल्यू पता है तो 90 डिग्री यहाँ पे लिखा है और जी ई डी का भी पता है, तो दोनों को इधर उधर कर देंगे, ठीक है, तो एंगल जी ई एफ आ जाएगा, खत्म हो गया, निकल गया। तो एंगल जी ई डी का कितना है 126 डिग्री है, एंगल जी ई एफ का कितना है नहीं पता, रहने दो, एंगल एफ ई डी का कितना है इसका 90 डिग्री है, लिख दो यहाँ पे, अब कितना है ये बच गया जी ई एफ, तो इसको उठा के इस साइड लेके आओ, प्लस का 90, यहाँ पे आने से क्या होगा माइनस का 90। अब साइन, अब मैंने इसको इस साइड रखा, ये मत सोच लेना कुछ और हो गया, इसको फिर हम लोग इस साइड से भी लिख सकते हैं, मतलब क्या बोल रहा हूँ समझ में आएगा, रुको शायद शायद ऊपर से चला गया किसी किसी का, यहाँ पे देखो इसको माइनस कर देते, 6 माइनस 0 जी 6 ही होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12 माइनस 9 कितना होगा, यहाँ पे 36 3 होगा, 36 डिग्री इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल जी ई एफ जो है, एंगल जी ई एफ जो है वो है क्या है, वो है 36 डिग्री। देखो हैंड राइटिंग का यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है मेरा, देखो एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू 36 डिग्री, हो गया खत्म, निकल गया एंगल जी ई एफ भी निकल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो एंगल जी ई एफ निकल गया। बच्चा क्या एफ जी ई कहाँ छुपे हो भाई तुम, एंगल एफ जी ई, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, इसमें हम लोग पता है ए जी ई पता है ना, ए जी ई देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक लाइन है, तो मैंने कहा उससे कपल्स वाले दो एंगल जो मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक रे बनाया है, ठीक है, यहाँ पे मान, तो ये दो एंगल जो है मिला के क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, और ए जी ई का पता है वैल्यू, तो जी ई एफ
नहीं सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, यहाँ पे क्या बोला, एफ जी ई। हाँ एफ जी ई, तो ये तो निकल के जाएगा ना, ये जी एफ जी ई राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिटा देता हूँ मैं, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो, नोट कर लिया है। ठीक है, जगह कम है इसलिए मिटाना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई। ठीक है, ए जी ई और एफ जी ई मिलकर कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों, लीनियर पेयर्स। भाई साहब लीनियर पेयर्स है ये, है ना, ये दोनों लीनियर पेयर्स। ठीक है, तो देन प्लस ए जी ई का तो पता ही है, ए जी का है, ए जी ई का कितना था, 126 डिग्री था, प्लस एंगल एफ जी ई का नहीं पता, इसको ढूंढना है। ठीक है, खो गया अभी बच्चा। अभी देखो एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो यहाँ पे करो 0 माइनस 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, अभी यहाँ बचा 7, 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, 1 150, ओए लुक क्या हो रहा है, हाँ 54 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया 54 डिग्री, तो एंगल एफ जी इक्वल्स टू, तो एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 54 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि हम लोग ने तीनों एंगल यहाँ पे अच्छे से अभी तक निकल लिया, निकाल यार क्या हो रहा है, निकल लिया, निकल लिया, देखो निकल निकाल लिया। ठीक है, सो यहाँ पे एफ जी निकाल लिया हम लोगों ने, एफ जी ई एफ निकाल लिया, ई जी ई एंगल ई जी ई निकाल लिया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये दो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वहां पे बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और लेट मी नो यार, कमेंट करते रहो तुम लोग यार, जो जो यहाँ पे क्लास कर रहे हो, एटलीस्ट अटेंडेंस तो दो अपना यार। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो बाकी का जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ठीक है, तो टिल दैट प्रैक्टिस करते रहिए, सो कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।